तुम लेट क्यों है क्लास में? सर क्या है कि मैं साइकिल पे कॉलेज आता हूँ, आज भी आ रहा था लेकिन एक घमंडी बदतमीज लड़की ने मेरी साइकिल को ठोकर मार दी, टुकड़े कर दिए, उसी कारण पैदल आना पड़ा और देर हो गई। दरअसल क्या है ना सर कि जब बड़े बाप की बेटियां गाड़ी में बैठती है तो समझती है कि सड़क की हर चीज उनके चाचे की प्रॉपर्टी होती है, कुचल कर निकल जाती है और माथे पे बल तक नहीं आता। सर इसमें उस लड़की का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि लड़कों के चेहरे पर आंखें तो हैं, लेकिन उन्हें उनका इस्तेमाल करने नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ चलना चाहिए, कहाँ साइकिल चलानी चाहिए। मगर लड़कियों को कॉलेज में तेजी से गाड़ी लाने की क्या जरूरत है, और लड़कों को अंधे बैल की तरह कहीं भी साइकिल खड़े करने की क्या जरूरत है? लड़कियां आजकल वो काम करने लगी है जो करने की उनकी औकात ही नहीं है। लड़कियां वो काम कर सकती है जिन्हें करने के इन मर्दों की औकात नहीं। अभी लड़कों की बराबरी करने के लिए लड़कियों को शायद 100 जन्म लेने पड़ेंगे। बर्तन धोने के साबुन से अपनी अकल को मांझ कर आइए, क्योंकि लड़कियां आज के दौर में मर्दों से बहुत आगे निकलती जा रही। अच्छा बिल्कुल, मिसाल के तौर पर लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं? लड़कियां कार चला सकती हैं, लड़कियां सरकार चला सकती हैं, लड़कियां घर बार बना सकती हैं, लड़कियां सुखी संसार बना सकती हैं, लड़कियां मर्दों को बेकार बना सकती हैं। कमाल है, मर्द होकर भी कहता है कि मर्दों को बेकार बना सकती है, लानत है तेरे ऊपर। अरे मर्दों के बगैर संसार की गाड़ी चल नहीं सकती, मर्दों के बगैर औरत जात कभी जी नहीं सकती, औरत खाना पका सकती है, माँ बन सकती है, मगर बाप नहीं बन सकती। रवि उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम देखना इस कॉलेज से मैंने अगर उसे नहीं निकलवाना तो मेरा नाम मधुनी। ये क्या? मैं जानता हूँ ये शरारत किसकी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसकी बात कर रही है तू, किसको नहीं छोड़ेगी? ए, जबान संभाल कर बात कर, किसको बोल रहा है नहीं छोड़ेगी? तुझे बोल रहा हूँ, लड़कियों के ग्रुप में लहरा लहरा कर आवाज लगा रहा था, इसलिए तू आज से छोड़ेगा नहीं छोड़ेगी हो गई। ए, तुम मुझसे बात करो। मैं तो मर रहा था आपसे बात करने के लिए, फरमाइए कहाँ से शुरू करूँ? शट अप, किसने की है ये हरकत? अच्छा इतनी गर्मी, चल बेटे बोल यार, बोल इसको कि ये काम तूने किया है। हाँ हाँ ये काम मैंने किया है। और बोल इसको कि ये मैंने तुमसे बदला ले लिया है, तुमने मेरी साइकिल तोड़ी तो मैंने तुम्हारी गाड़ी लंगड़ी कर दी। मैंने तुमसे बदला लिया है, तुमने मेरी साइकिल तोड़ी, मैंने तुम्हारी कार लंगड़ी कर दी। अब बोल इससे जाकर नया टायर खरीद ले, इससे जाकर नया टायर खरीद ले, और बाकी जो पैसे बचे कीप द चेंज, और बाकी जो पैसे बचे कीप द चेंज। मैं इसका मजा चखे करूंगी तुम्हें, और मैं उस मजे का बेचैनी से इंतजार करूंगा। नहीं क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरी मधु लग गया। अरे क्या हुआ मधु बेटी, अरे तुम गुस्से में क्यों है? हाँ उस लड़के ने आज फिर मेरे साथ छेड़खानी की, उसने क्लास में मेरे साथ फुर्सत की और फिर मेरी गाड़ी का टायर निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तेरी गाड़ी का टायर कैसे निकाल सकता है? मैं तेरे साथ कल कॉलेज चलूंगी, देखती हूँ कि वो। मधु कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ना? हाँ देखो मैं वो खाली खाली क्या खाली, मैं कार तेजी से कॉलेज में चला के लेके गई थी और एक लड़की की साइकिल मेरे कार के नीचे आ गई। अब समझी, तो पहल तूने की, करना पड़ा था तू, उसका दिमाग चौथे आसमान से भी 4 आसमान ऊपर है। अरे तो दिमाग नीचे लाने के लिए क्या नीचे से टायर निकालना जरूरी है? लोगों के सामने उसको बेइज्जत करना जरूरी है? गलत बात है, ऐसे तुम लोग करीब नहीं आ सकते, उल्टा तुम लोगों में दूरी बढ़ जाएगी। नहीं दद्दू, मेरा ख्याल है उसे आज नहीं तो कल मेरा स्टाइल जरूर पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। किस उल्लू के पट्टे ने तुझसे कहा कि लोहे को लोहा काटता है? फिल्मी डायलॉग सुन के आता है, मुझे सुनाता है। अरे लोहे को फौलाद काटता है। हाँ तो दद्दू ये कोई फौलाद से कम है, दद्दू मेरी अदा उसको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि बाकी सब उसकी चमचागिरी करते हैं, मेरी तरह मुंह तोड़ जवाब देने वाला उसे पहली बार मिला होगा। हाँ तेरी ये बात कुछ कुछ सही भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भड़की हुई लड़कियां भड़के हुए लड़कों से मिलकर अपना भड़कना भूल जाती है, और ये कभी कभी होता है।
अरे आज इसकी गाड़ी इतनी धीरे क्यों आ रही है? लगता है बीमार है इसीलिए धीरे धीरे आ रही है। अरे रमेश हाँ? मैडम की गाड़ी की रफ्तार कुछ कंट्रोल में है आज। हाँ यार कमाल है। सॉरी मिस्टर रमेश, मैं अपने कल के बर्ताव से बेहद शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये साइकिल रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हुआ ना, तूने साइकिल लौटा दी, उसने टायर लौटा दिया, अरे माफी तक मांग ली। इसका मतलब ये है कि अब वो हमारे जाल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करती जा। तो क्या करूँ अब? तू एक काम कर, उस लड़के के नाम एक प्यार भरा लव लेटर लिख। क्या? हाँ, फंसाने के लिए ये चाल बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, अब ही लिखती हूँ। नहीं नहीं तू नहीं, मैं लिखूंगी। आप? हाँ देख, अगर तेरी हैंडराइटिंग होगी तो कल को तू फंस सकती है ना। हाँ। और अगर मेरी हैंडराइटिंग होगी तो तेरे फंसने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है ना। आंटी आंटी आई आई आई, यही है वो लड़का। सुनिए, आप ही का नाम विजय है? हाँ जी, क्यों? जी मुझे मधु ने भेजा है, उसने ये चिट्ठी भेजी है आपके नाम। वैसे तो वो खुद ही आना चाहती थी मगर शर्मिंदगी के मारे ना आ सकी, सो मुझे भेज दिया। मगर आपको कैसे पता चला कि मैं ही विजय हूँ? मधु ने बताया, मेरा मतलब है मधु ने मुझे बताया था कि कॉलेज में जो सबसे हैंडसम लड़का होगा वही विजय होगा। अब देखो ना, 2 घंटे से 200 लड़के देख चुकी हूँ लेकिन उनमें सबसे हैंडसम तुम नजर आए। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलूं? जी। और अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है और तुम भी मुझे चाहते हो तो मेरे खत का जवाब जरूर दोगे, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। देखा दद्दू, आप तो कह रहे थे कि मेरे बर्ताव से हम दोनों में दूरी बढ़ जाएगी लेकिन उसने खुद अपने हाथों से ये लेटर लेकर मेरे नाम भेज दिया। अरे ठीक है ना यार, इसमें इतना उछलने की क्या बात है, हर बड़े आदमी से गलती हो जाती है, हमसे भी हो गई। तो एक काम कर, अब तू इसको इससे भी ज्यादा मोहब्बत भरा खत और मोहब्बत की शहद में डूबा हुआ खत लिख के भेज। लेकिन ना तो मुझे आता नहीं। मैंने कभी लव लेटर लिखा नहीं। अरे तू फिकर मत कर, अपनी जवानी में मैं ऐसे 50 खत लिख चुका हूँ। क्या बात करते हैं यार, मैं भी कभी तेरे जैसा था, जो लड़कियाँ मुझे खत लिखती थी तो मैं अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए उन्हें जवाब लिख दिया करता था। अबे क्या करता, पिटवाएगा किसी ने सुन लिया तेरे साथ मेरी भी धुलाई हो जाएगी। एक काम कर, मैं लिखाता जाता हूँ, तू जवाब लिखता जा। बेस्ट स्टार्ट कुछ बहुत सॉलिड होना चाहिए। हाँ एकदम, हाँ मतलब। अरे एकदम ब्लास्ट, मेरी प्राण प्रिय। जी 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 जी, तो लग रहा है जैसे जैसे आप मुझे महाभारत से कोई डायलॉग लिखवा रहे हैं। महाभारत? हाँ। इतना पुराना होना चाहिए। जानू। प्रिंसिपल जानू। लिखू? लिख 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 लिख। अरे जानू क्या स्टार्ट है यार, जानू मैं मर जाऊं अगर तेरी बात न मानू, ये तो शेर हो गया, लिखना। लिख। विजय का बच्चा है कहाँ? देख तुझे कल में।
टेल मी, तुम्हारा नाम मधु है ना? जी। मैं वो विजय का दद्दू हूँ, ग्रैंडफादर। अरे अरे नमस्ते, मैं वहाँ हूँ। हाँ प्लीज जी। क्या है कि विजय बहुत शर्मीला है, किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकता। मैं बैठूँ ना? जी प्लीज प्लीज। सॉरी जी, नहीं बैठिए ना प्लीज। अच्छा मैं समझा उठ जाओ। तो वो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर उसमें कहने की हिम्मत नहीं थी, तो अपने मन के विचार और ख्यालात इस कागज पर लिख के तुम्हारे पास भेजा है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही मधु? वो क्या है, उसने मुझे बताया कि कॉलेज में जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो मधु होगी। मैं 3 घंटे से कॉलेज में अजीब अजीब चेहरे देख रहा हूँ, जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा वाह ये वो हीरा है जिसे मेरे पोते ने पसंद किया है। तुम्हारे लिए मैं चलूँ? ओके।